नमस्कार, उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सावन दोषी। खबरों में जाने से पहले एक नजर अभी तक की सुर्खियों पर। पंचायती राज चुनावों के लिए मतदान दल रवाना, 22 को होगा मतदान। सड़क सुरक्षा सप्ताह समाप्त, जागरूकता के लिए निकाली रैली। पल्स पोलियो अभियान का पहला चरण शुरू, 3 दिन तक पिलाएंगे 2 बूंद जिंदगी की। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं पंचायती राज उपचुनाव की। उदयपुर जिले के पंचायती राज में खाली पड़े पदों के लिए उपचुनाव 22 जनवरी को होंगे। ऐसे में निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पोलिंग टीम को रविवार को ट्रेनिंग दी गई और अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना किया गया। उदयपुर जिले में 19 वार्ड पंच, 3 सरपंच और 1 उप सरपंच के लिए उपचुनाव होने हैं। पहली बार पंचायती राज चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ईवीएम मशीनों का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे में रविवार को पोलिंग टीमें गंतव्य स्थान के लिए रवाना हुई और सोमवार को नामांकन पत्र लेकर पुनः जिला मुख्यालय पर लौट आएगी। वहीं 21 जनवरी को मतदान करवाने के लिए टीमें वापस रवाना होंगी और 22 जनवरी को मतदान कराकर देर शाम तक परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। तो जहां अजेजा है सुत्ती और अन्य पिछड़ा वर्ग का पुरुष भी खड़ा हो सकता है, उसमें कोई आपत्ति तो केवल महिला ही है और कैंडिडेट है, ठीक है, तो आप उसका एग्जाम बैलेट पेपर वाली है वो हम आपको यथासमय उपलब्ध करा देंगे। पंचायत राज संस्थाओं में 31 अक्टूबर तक जो पोस्ट वैकेंट हैं उनके उपचुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवा रहा है। वैसे भी राज्य निर्वाचन आयोग हर 3 महीने में इस तरह के उपचुनाव करवाता रहता है, तो उदयपुर ज़िले में 31 अक्टूबर तक अब तक जो पोस्टें वैकेंट है पंचायत राज संस्थाओं की उनके चुनाव हो रहे हैं। हमारे उदयपुर ज़िले में 19 वार्ड पंच, 3 सरपंच और 1 उप सरपंच का चुनाव है। 3 जो पंचायतें हैं उसमें एक तो चाटियाखेड़ी है, एक सुआवतों का गुड़ा है और एक वाना। ये 3 पंचायतें खास हैं, बाकी एक एक वार्ड पंच के चुनाव 19 जगह हैं। राज्य निर्वाचन आयोग पहली बार ईवीएम से ये चुनाव करवा रहा है। अब तक ईवीएम का उपयोग लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में ही हुआ था और कमीशन ने अब तक म्यूनिसिपलिटी की चुनावों में भी ईवीएम काम में लिए, पर पंचायत चुनावों में पहली बार ये कॉन्सेप्ट लिया है। तो इसमें हमें थोड़ी सी परिस्थितियां बदलनी पड़ी हैं क्योंकि पंचायत लेवल पे हमारा रिटर्निंग ऑफिसर जाके वहीं ईवीएम तैयार भी करेगा, सील करेगा, वोट कास्ट करवाएगा और फिर वहीं रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। सारी एक्सरसाइज पंचायत हेडक्वार्टर पे ही होगी, इसलिए ये थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी का काम है। हम लोग अपने रिटर्निंग ऑफिसर्स को वेल ट्रेंड कर रहे हैं। हमारे सेक्शन के जो मास्टर ट्रेनर हैं महामाया जी प्रसाद, वो उनको अभी ट्रेनिंग दे रहे हैं और आगे भी हम सभी उनके साथ हैं, पार्टी वालों के साथ। हमारे तहसीलदार, हमारे SDM, हमारे पटवारी, उनके कोऑपरेशन के लिए वहाँ हैं। आज हमारी लगभग जैसे 22 जगह टीमें जा रही हैं, एक टीम में 4 आदमी होते हैं, तो लगभग 125 आदमी हमने कॉल किए। कैजुअलिटी हो जाती है कई लोगों के साथ, तो हम 10-20% लोग ज़्यादा बुलाते हैं। जब कोई नहीं आता है तो हम लास्ट मोमेंट पे उसको रिप्लेसमेंट कर लेते हैं। तो इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, कल नॉमिनेशन लिए जाएंगे 18 तारीख के दिन पंचायत हेडक्वार्टर पे। हमारी पार्टियां आज शाम को वहाँ पहुँच जाएंगी। कल सुबह ये 8 बजे से लेकर 11 बजे तक नॉमिनेशन लेने का काम करेंगी, उसके बाद फॉर्म की जाँच करेंगे और फाइनली 3 बजे तक सिंबल अलॉट करके यहाँ पर वापस आ जाएंगे। फिर हम लोग EVM बैलेट पेपर प्रिंट करवा के EVM तैयार करेंगे और 22 तारीख के दिन ये पोल करवाने के लिए वापस जाएंगे। ये भी बहुत कम हुआ है, पहली बार ही हुआ है। जनरली होता ये था, पंचायत चुनाव में हमारा रिटर्निंग ऑफिसर हेडक्वार्टर पर जाता था, नॉमिनेशन लेता और अगले दिन पोल करवा देता, जब बैलेट से हम पोल करवाते हैं। ये EVM है पहली बार, तो एक बार हमारा रिटर्निंग ऑफिसर नॉमिनेशन लेके वापस आ जाएगा और 3 दिन बाद वापस जाएगा। 21 शाम को ये लोग वापस जाएंगे और 22 तारीख के दिन पोल करवाएंगे। ये राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान में एक प्रयोग किया है, छोटा उपचुनाव है भी, इसमें पहली बार ये कॉन्सेप्ट लागू किया है। सोच रहे होंगे वो लोग, अगर ये सक्सेस हो जाता है तो फिर जब जनरल चुनाव होंगे उसमें भी शायद EVM काम में ले सकते हैं।
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय क्रिकेट टीम लगातार तीसरा वनडे हारते हुए सीरीज गंवा चुकी है। ऐसे में पूरी सीरीज में भारत की बॉलिंग लाइन काफी खराब साबित हुई। उदयपुर आए दिलीप वेंगसरकर ने भारतीय टीम की बॉलिंग लाइन में सुधार की बात कही। वेंगसरकर ने साफ किया कि टीम की बॉलिंग की स्थिति खराब है, ऐसे में जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड खेलने जाते हैं तो हमें बॉलिंग लाइन एडजस्ट करनी चाहिए। आई थिंक बॉलिंग इज वेरी बॉलिंग हमारी थोड़ी वीक है, मुझे ऐसा लगता है, और अच्छे बॉलर मिलेंगे। बिकॉज कैसा है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो या इंग्लैंड जाते हो तो आपको लेंथ एडजस्ट करनी पड़ती है। अगर उन्होंने ग्लेन एडजस्ट कर दी और एडप्ट के वो विकेट्स के लिए तो फिर अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है, लेकिन वैसा हुआ नहीं। पल्स पोलियो अभियान का पहला चरण रविवार को शुरू हुआ। अभियान को लेकर शनिवार को नर्सिंग स्टूडेंट्स और आशा सहयोगियों ने रैली निकाली। 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान में 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। उदयपुर जिले में करीब 4,60,000 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। रविवार को टीमों ने घर घर जाकर पोलियो की खुराक पिलाई और विभिन्न स्थानों पर बूथ भी बनाए गए जहां पर पोलियो की दवा पिलाई गई। हो गया। उदयपुर न्यूज में अभी वक्त है एक ब्रेक का, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। 9 रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialties covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happiness. Shadi, shadi, shadi. Yani 5 function. सगाई, मेहंदी, संगीत, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना दुर्गेश इवेंट मैनेजमेंट विद दुर्गेश फ्लावर एंड टेंट हाउस। हम लेकर आए हैं हर बार नई वैरायटी व थीम के साथ, राजस्थानी, रजवाड़ी और भी कई नई थीम के साथ वीआईपी लेडीज कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, डोली, पालकी, घोड़ी, बैंड, बग्गी व पूरा मैनेजमेंट। सिर्फ एक कॉल कीजिए, घर बैठे पाइए सभी सुविधाएं। उठाइए कागज कलम व नोट कीजिए नंबर 9999-7672-9829-04390-5 और 0294-242-0905। दुर्गेश इवेंट मैनेजमेंट विद दुर्गेश फ्लावर एंड टेंट हाउस। ऑफिस 10 अश्विनी बाजार, सुथारवाड़ा, उदयपुर। शादी हो या सगाई, चाहे हो लाडली की विदाई, आमंत्रण के बिना सब कार्य रहते हैं अधूरे। जी हाँ, अब शहर में शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, बर्थडे कार्ड की नई एवं ढेरों वैरायटियों के लिए अब घूमने की जरूरत नहीं है। पिछले 15 सालों से आपकी सेवा में आमंत्रण कार्ड पर आप पाएंगे नए कार्डों की विशाल एवं विस्तृत संख्या। साथ ही फैक्ट्री से माल सीधा दिल्ली से उदयपुर आने के कारण कार्ड पाए बाजार से कम कीमतों पर। संपर्क करें पीयूष अग्रवाल 8560070595, अंकुर अग्रवाल 9351687460।
यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 02942414256 और 94141-222216। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटर्स कॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटर्स कॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध, बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर, फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध, बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक, उदयपुर। फोन 2640452 और 54। उदयपुर संभाग का सबसे भव्य एवं विशाल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम शहर के मध्य सेक्टर 4 में स्थित अरावली प्लाजा पर आपको मिलेंगे सैमसंग, वीडियोकॉन, हिताची, कैरियर एवं अन्य कई नामी कंपनियों के रेफ्रिजरेटर, एलईडी, एलसीडी टीवी, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन, वॉशिंग मशीन, गीजर, होम थिएटर एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटमों की विस्तृत एवं विशाल श्रृंखला। साथ ही अब यहां पर खरीद सकते हैं सैमसंग ब्रांड के सभी फोन 0% फाइनेंस सुविधा के साथ। तो आज ही आइए सैमसंग ब्रांड एवं वीडियोकॉन शॉपिंग अरावली प्लाजा पर और पाइए इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों पर आकर्षक उपहार। हमारा पता है अरावली प्लाजा, हिरन मंडी सेक्टर 4, मेन रोड नियर पेट्रोल पंप, उदयपुर। तो आज ही कॉल करें। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सड़क हादसों में कमी लाने और लोगों को यातायात सुरक्षा के प्रति जागृत करने के उद्देश्य से रविवार को लेक सिटी उदयपुर में एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतिम दिन आयोजित इस रैली में 30 बाइकर्स ने भाग लिया। हिंदुस्तान जिंक की ओर से निकाली गई इस रैली को मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य लक्षराज सिंह मेवाड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वरूप सागर से शुरू हुई यह रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई दरीबा पहुंची, जहां उसका समापन हुआ। इस अवसर पर बाइकर्स ने जगह जगह लोगों को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक किया।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से पूरे देश के विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम सेल टूर चलाया जा रहा है। अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन भ्रमण नाम के इस टूर में भारत के पूर्वांचल के असम, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय के विद्यार्थियों के लिए एबीवीपी की ओर से हर साल यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस साल इन विद्यार्थियों का दल उदयपुर आ गया है। 3 दिवसीय दौरे में ये विद्यार्थी यहाँ घूमने के साथ शिक्षा प्रणाली को भी समझे। भारतीय विद्यार्थी परिषद का एक सील प्रोजेक्ट है, 1966 में स्टार्ट हुआ है। इस बार हम गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन पूरा देश भर में कर रहे हैं सील का। सील का मेन उद्देश्य अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, मई होम इंडिया, एक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट हुआ है। इस बार 240 स्टूडेंट्स निकला है नॉर्थ ईस्ट से, 8 राज्यों से। उसमें हम 8 ग्रुप करके, एक ग्रुप हमारा एक ग्रुप नंबर 2 है, एक ग्रुप नंबर 2 7 तारीख को निकला है। हम उदयपुर में 15 तारीख को सुबह पहुंचा है। 27 ग्रुप में 12 गर्ल्स है, बाकी 15 बॉयज़ है। 6 राज्यों का छात्र छात्री लोग इसमें है। वही हम इस बार पूर्वोत्तर को जानो, भारत को जानो, जो पूर्वोत्तर का संस्कृति है, कल्चर है, पूर्वोत्तर में जो अच्छा चीज़ है उसको हम अम्बेसडर नाते निकला है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में जाना हुआ हमारा, अलग अलग आगरा में उधर स्टूडेंट्स के साथ भी इंटरेक्शन हुआ है। आज इधर यूनिवर्सिटी, उदयपुर यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट के बीच में हमारा इंटरेक्शन होने वाला है। तो बहुत काफ़ी चीज़ हमको सीखने के लिए मिला और जानने के लिए भी मिला है। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं त्रिपुरा से आके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट लोग से मिल रही हूँ, डिफरेंट डिफरेंट खाना खा रही हूँ। सो आई फील सो, आई मीन एंजॉय भी कर रही हूँ और कुछ सीखना भी मिल रहा है मुझे। और क्या कहे, उदयपुर के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती कि वो बहुत अच्छा है, यहाँ पे प्लेस बहुत अच्छा है। सोचा नहीं थी कि कभी ऐसा इस जगह पे आऊँगी, ऐसा महल वगैरह, सिटी प्लेस वगैरह ऐसा देखूँगी। आई कैन एक्सप्लेन। एक्चुअली पहला तो मैं ये कहूँगा कि हम लोग का एनवायरनमेंट फॉर इज फॉर डिफरेंट, तो हम लोग यहाँ गर्मी भी ज़्यादा, पहले ऐसे सुनता था, लेकिन विथआउट इट हम लोग का ऐसा नहीं होगा। तो जब पहुँचा तो इट वॉज जस्ट आई विल से इन वन वर्ड, ऑसम। बहुत अच्छा लगा यहाँ का जो रिसेप्शन कमिटी एंड द हाउस फैमिली है, वो अपना ऐसा महसूस कभी नहीं हुआ कि हम लोग बाहर फैमिली में रह रहे हैं, कुछ ऐसा ही है। मतलब बहुत अच्छा लगा यहाँ रहे, एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्लीन सिटी आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। जगत गुरु रामदयाल जी महाराज का 22वां पाठोत्सव रविवार को शुरू हुआ। माहेश्वरी भवन में चल रहे इस 5 दिवसीय पाठोत्सव और सत्संग समारोह में श्रीमद् भगवद गीता का वाचन किया जाएगा। प्रतिदिन कथा का समय सुबह 9 बजे तथा शाम को 6 बजे आरती होगी और इसके बाद भजन संध्या होगी। तो चिंतन का प्रसाद का आधार संत बताया हमारे बाल संत दिव्य राम जी ने, हरी समावेश करना या न करना, यहाँ पर सोमाणी परिवार के तरफ से ये कार्यक्रम 5 दिवसीय सत्संग का रखा है और यहाँ पर प्रातःकाल 9 से 11 बजे सत्संग भजन और सायंकाल में संध्या आरती, 5-6 बजे संध्या आरती होगी, उसके बाद में राम भजन कीर्तन होगा और उसके बाद में सत्संग संतों महापुरुषों से जो बाहर से पधारे हुए हैं उनके द्वारा उनके मुखारवंद से प्रवचन होंगे, उसके बाद में संतों के और भक्तों के भजन होंगे। इस प्रकार का ये कार्यक्रम है, 5 दिन तक प्रतिदिन प्रातःकाल 9 से 11 तक प्रवचन का कार्यक्रम चलता रहेगा और 20 तारीख को एक विशेष वहाँ हमारे आचार्य ऋषि जो वर्तमान में विराजमान है उनका पाठोत्सव, यानी वो 20 तारीख को गादी पे विराजे हैं तो उनका पाठोत्सव के लिए ये सारा आयोजन किया गया है और 21 तारीख को भव्य कार्यक्रम हमारे रामपाल जी सोमाणी जी के परिवार के तरफ से गंगोज का भी आयोजन रखा गया है। वो सारा कार्यक्रम ये 5 दिनों के अंदर संपूर्ण किया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया थाना क्षेत्र के
उम्बाड़ा गांव में प्रेमी प्रेमिका के घर से भागना परिजनों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने दोनों को ढूंढ निकाला और बाद में पूरे गांव के सामने जानवरों के बांधने के खूंटे से बांध दिया। हालांकि यह पूरा तमाशा जब चल रहा था तो इसकी जानकारी मीडियाकर्मी को मिल गई। ऐसे में ग्रामीणों ने आनन फानन में प्रेमी युगल को मौके से हटा कर गायब कर दिया। कई घंटे तक इस मामले की जानकारी पुलिस को भी नहीं मिली। वहीं जब मामला मीडिया के मार्फत सामने आया तो पुलिस ने भी मामले में कार्रवाई शुरू की। करीब 4 से 5 घंटे तक प्रेमी युगल खूंटे से बंधे रहे और परिजनों ग्रामीण उनके साथ मारपीट करते रहे। करीब 20 दिन पूर्व छोटी सरड़ी गांव की रहने वाली यह विवाहिता अपने प्रेमिका के साथ भाग गई थी। उसके बाद विवाहिता के परिजनों ने दोनों को ढूंढ निकाला और ग्रामीणों के साथ प्रेमी युगल को खूंटे से बांध दिया। अब पुलिस ने मामला मीडिया में आने के बाद दर्ज कर दिया है। वहीं आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। देखिए, इस मामले में पुलिस के पास कोई लिखित या मौखिक शिकायत अभी तक नहीं आई थी। जब अखबार में खबर छपी है तो उस पर हमने संज्ञान लिया और अपनी पुलिस की टीम को उनके गांव में भेजा। अभी वो जो लड़का और लड़की है उन्हें हमारी टीम के साथ है और उसमें हमारे जो DYSP रैंक के ऑफिसर हैं वो उनके साथ हैं। उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि उनके साथ क्या घटना हुई। जैसा भी वो बयान देते हैं उस आधार पर हम जिनके भी खिलाफ बयान देंगे उचित धाराओं में कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। पंचायती राज चुनावों के लिए मतदान दल रवाना, 22 को होगा मतदान। सड़क सुरक्षा सप्ताह समाप्त, जागरूकता के लिए निकाली रैली। पल्स पोलियो अभियान का पहला चरण शुरू, 3 दिन तक पिलाएंगे 2 बूंद जिंदगी की। उदयपुर न्यूज स्केच बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर रूबरू होंगे कई नई खबरों के साथ। तब तक सावन दोषी और पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत और खबरों के लिए बने रहिए उदयपुर न्यूज के साथ। नमस्कार।